सेल्वी स्टार सर। यस 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 सर जो पुराने लीडर हैं शायद सब जानते ही हैं, जो नए पर्सन हैं तो उनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं बताना चाहूँगा। मेरा नाम अनिल कुमार जाखड़ है और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ड्रेस से, मैं आर्मी में हूँ। और आज से काफ़ी समय पहले 2013 में मुझे हेल्थ में कुछ इशू आने शुरू हुए थे, कमर में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो उसके लिए मैं कुछ ढूंढ रहा था कि लाइफ मतलब जैसे इलाज के लिए देसी में, आयुर्वेद में या मतलब एलोपैथी में, बट कहीं इलाज मिल नहीं रहा था। 2015 में मेरी लाइफ में एक पर्सन थे जो मेरे आर्मी में ही थे, संदीप कुमार, जिनका नाम था, झज्जर के रहने वाले थे। तो 2015 में जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो उनसे मेरी बात होती है कि मैं ऐसे ऐसे शरीर में प्रॉब्लम है, एडमिट हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट के बारे में सजेस्ट किया था। तो उस समय मुझे नहीं पता था कि क्या प्रोडक्ट है, क्या काम करता है। एक दवाई की तरह उन्होंने मुझे बताया था और मैं उनके ट्रस्ट करने पे जैसे ही छुट्टी आया, तो छुट्टी आते ही मैं दिल्ली नारायणा पहुंचा और नारायणा से जैसा उन्होंने बताया उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट मैंने लिए और मैं अपने घर पे लेके चला गया था। घर पे जाते ही जैसे वो प्रोडक्ट मैंने घर वालों को बताया उसके बारे में, एक दोस्त आया, उस दोस्त को बताया, तो कहीं ना कहीं लगा कि ये काफी महंगे हैं। नेटवर्क इशू हो और गया प्रोडक्ट काफी महंगे हैं और आप इसकी बजाय ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो, तो होता क्या है कि सर मैं वो प्रोडक्ट वापस दिल्ली जाके उनको प्रोडक्ट वापस लौटा देता हूँ और फिर वापस वही लाइफस्टाइल शुरू हो जाता है। कहीं दूसरी जगह दिखाना, तीसरी जगह दिखाना, मतलब हेल्थ का बहुत इशू बढ़ता जा रहा था और मैं कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ नहीं दिखा पाया हूँ। हर जगह दिखा चुका था बट कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। उसी टाइम के गुजरते गुजरते हेल्थ इशू के साथ में कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम भी घर में स्टार्ट हो गई थी और मैं दोनों का ही कुछ अल्टीमेट ढूंढ रहा था। फिर मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा, काफी आइडिए सोचे कि किस टाइप से कर सकता हूँ मैं जॉब के साथ साथ, बट कोई सही आइडिया मेरे को, गाइडेंस मिल नहीं रही थी। एक बार ऐसे ही देखते देखते मैंने देखा कि मैं दिल्ली पोस्टिंग आ गया था। वहां से पोस्टिंग आने के बाद में श्रीनगर से, तो दिल्ली जब मैं आ गया था तो वहाँ पे कारें जो हैं बड़ा सस्ती मिलती थी और मैंने देखा कि लोग कार लेके बेचते थे, दिल्ली से गाड़ी लेते थे और हरियाणा में ले जाके बेचते थे। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं ये स्टार्ट करूं और मैंने फाइनली एक गाड़ी ली। नॉलेज नहीं थी, मैं मतलब सिर्फ ये पता था कि गाड़ी होती है और उसके 4 ही टायर होते हैं और वो दिखने में सारी एक जैसी होती है। महंगी सस्ती के बारे में, मॉडल के बारे में, कंपनी के बारे में ये नॉलेज नहीं थी मेरे को, सिर्फ इतना पता था कि गाड़ियां होती हैं और वो बिकती भी है। तो मैंने लोगों से सजेस्ट मांगा कि यार कौन सी गाड़ी लें, कौन सी ठीक बिकती है। तो मेरे को तकरीबन लोगों ने स्विफ्ट के बारे में ज्यादा सजेस्ट किया कि स्विफ्ट गाड़ी एक ऐसी है जो लेते ही मतलब अच्छे दाम दिला देती है और कभी भी उसको बेच दो बिक जाती है। लेकिन स्विफ्ट की जो है कॉस्ट, वो जैसे 10-11 मॉडल में देख रहा था तो उसकी कॉस्ट जो है 2.5-3 लाख रुपए उस टाइम आ रही थी। तो देखते देखते मैं एक दिन ओलेक्स पे देखते देखते स्कोडा फेविया देख लिया मैंने। स्कोडा फेविया देखने में स्विफ्ट जैसी ही दिखती थी, उससे भी थोड़ी अच्छी दिखती थी लुक में, थोड़ा लंबी दिखती थी और उस गाड़ी का कॉस्ट जो है वो 1.5 लाख रुपए मेरे को दिखा। तो बड़ा अट्रैक्टिव लगा कि यार गाड़ी तो गाड़ी है, ये तो स्विफ्ट से भी अच्छी है। और मैंने उसका प्राइस निकाल के देखा कि स्विफ्ट से भी थोड़ी महंगी आती है और सस्ती मिल रही है, कंडीशन में भी थोड़ी ठीक दिख रही है बाहर से। तो मैंने जाने अनजाने में वो गाड़ी ले ली। अभी ये नॉलेज नहीं था कि इनका स्पेयर पार्ट का, इनका मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है वो किस प्रकार से होता है, इनकी जो रिसेल वैल्यू होती है वो किस प्रकार से होती है। तो वो गाड़ी लेने के बाद में मैंने
पता चलेगा कि मतलब गाड़ियों में भी डिफरेंट होता है और उसके स्पेयर पार्ट में भी डिफरेंट होता है, और बाद में अगर उस गाड़ी को बेचना पड़े तो उसकी मार्केट जो वैल्यू होती है उसमें भी बहुत डिफरेंट होता है। वो गाड़ी मेरे को काफी नुकसान दे के गई और फाइनली मैंने उसको करीबन 1-1.5 लाख रुपया उस पर भुगत किया और बेच दिया लास्ट में उसको आगे तंग आगे। बाद में मैंने तौबा कर लिया कि दोबारा जिंदगी में कभी गाड़ी नहीं लूंगा। फिर एक दोस्त था, उसके पास में मैं पड़ोस में रहता था, वो गाड़ियों का काम करता था। वो मुझे कहता था कि आप कोई गाड़ी क्यों नहीं ले आते। मैंने कहा भाई दुनिया में सारे काम ठीक है लेकिन गाड़ी लेना गलत है, वो गाड़ी लेने वाले ही कर सकते, मेरे बस की बात नहीं है। उसने मेरे को सजेस्ट किया, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी बिजनेस को करने से पहले उसकी सही नॉलेज लेनी जरूरी है, चाहे वो काम गाड़ी का है चाहे वो किसी भी प्रकार का है। तो उसने मेरे से पूछा कि आपने कौन सी गाड़ी ली थी। मैंने अपनी स्टोरी बताई कि स्कोडा फैबिया ली थी। बोले यार गलती आपकी है कि आपने गाड़ी गलत ली थी, मैं आपको सिखाता हूँ कि किस प्रकार से गाड़ियों में पैसा कमाया जा सकता है। तो मैंने धीरे धीरे उन पे ट्रस्ट किया और वो फाइनली मेरे को एक गाड़ी दिला ले आई। वो मैं पहली दूसरी गाड़ी लेके आया था एसेंट हुंडई की, वो गाड़ी मैं 45,000 रुपये की लेके आया था और थोड़ा मेंटेनेंस वगैरह करवाने के बाद में वो गाड़ी मैंने 1 लाख रुपए की बेची। तो वहां मेरे को पता चला कि हाँ यार एक ही धंधे के अंदर अलग अलग टाइप के प्रॉफिट हो सकते हैं। मतलब ये मेरी गलती थी कि मैंने धंधा गलत तरीके से चुना था, उस तरीके के कारण मैं फेल हुआ। और एक सही तरीके से गाइडनेस लेके किसी भी धंधे में कामयाब भी होते हैं और फेल भी होते हैं। लेकिन अभी दिल्ली से कुछ दिन बाद में मेरी पोस्टिंग चेंज हो जाती है, एक दो गाड़ी और भी ली मैंने की, लेकिन थोड़ा वहां भी दिक्कत रहती थी उस धंधे में भी, कि एक बहुत मोटी पूंजी लगानी पड़ती थी, 2-3 लाख रुपए लगाने पड़ते थे या 60-70 हज़ार रुपये लगाने पड़ते थे। फिर रोज उस पर कपड़ा मारना पड़ता था, ग्राहक को दिखाना पड़ता था, फिर डॉक्यूमेंट कार्रवाई करवानी पड़ती थी। वहां भी थोड़ा डर रहता था कि गाड़ी पे कोई ब्लेम ना है, कोई इशू ना है, बेचने में नाम करवाने में थोड़ा दिक्कत रहती थी। और दिक्कतें आई भी मेरे सामने, एक गाड़ी मेरी बिल्कुल फंस के खड़ी हो गई थी, 4.5 लाख रुपए की मैंने देखी थी और वो डॉक्यूमेंट वाइज कार्रवाई की वजह से वो पूंजी मेरी बिल्कुल फंस के खड़ी हो गई थी। वहां भी मैंने देखा कि यार बिजनेस इसमें भी बहुत रिस्क है। मैं कुछ और ढूंढ रहा था कि कुछ और विदाउट रिस्क वाला बिजनेस मैं करूँ जो कम पूंजी से स्टार्ट हो सके। तो मैं रिसर्च कर ही रहा था कि 2019 में दोबारा मेरी लाइफ में एक पर्सन आता है और वो उसी बिजनेस के बारे में मेरे को बताता है जो बिजनेस 2015 में मेरे सामने आया था, जो प्रोडक्ट मेरे सामने आए थे, जिस बिजनेस के बारे में मैंने सीखा नहीं था, समझा नहीं था, बट थोड़ा समझा जरूर था कि नेगेटिव होता है, उसमें कुछ गलत होते हैं और उसमें फ्रॉड सिस्टम होते हैं। तो मैंने उसके बारे में सिर्फ इतना ही सुना था, इसीलिए मैंने उससे काफी दूरी बना ली थी। अभी 2019 में मैं देखता हूँ कि एक पर्सन आर्मी में ही मेरे साथ जॉब कर रहे थे और वो महीने का 25-30 हज़ार रुपये कमा रहे थे। तो मैं उनको देख के मतलब एकदम अचंभित सा हुआ कि ये व्यक्ति अगर ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जबकि देखने में वो बिल्कुल भोले भाले थे। नेटवर्क इशू लग रहा है इनका। सर नेटवर्क इशू तो है बट सुनने मजा आ रहा हाँ है अब देखते हैं वो कहाँ चले गए। आ गए आ गए, बताइए अनिल जी। हाँ बताइए। हेलो अनिल जी, अनम्यूट करिए आप, आपका वीडियो तो ऑन है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अनम्यूट है सर, जी हाँ जी हाँ अनम्यूट है सर। जी हाँ जी, कंटिन्यू करिए कंटिन्यू जी सर, करिए। तो दोबारा से मेरी लाइफ में 2019 में एक पर्सन आते हैं जिनका नाम सुनील कुमार था, रहने वाले थे। तो उन्होंने बातों बातों में मेरे साथ डिस्कस फैल भी का, तो मतलब एफएलपी के नाम से लेकिन उन्होंने एफएलपी का नाम लिया तो थोड़ा थोड़ा उनको सुनने है, तो उन्होंने थोड़ा और गहराई से बताया तो फिर मेरे को डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया कि वही जो दिल्ली में इसका ऑफिस है। तो फिर वो बातें चली हुई
और मैंने देखा कि वो 25,000 मंथ कमा, बारे में भी उस चीज के बारे में थोड़ा इंटरेस्टेड लग गया कि चलो धन भी लेते है में। तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। रिसर्च करते करते और भी बहुत सारी कंपनियों के बारे में और भी बहुत सारे बिजनेस के बारे में मैंने रिसर्च किया और देखा कि मतलब ये परसेंटेज कैसे मिलती है, इसमें ज्यादा परसेंटेज मिलती है, किसमें कम मिलती है, प्रोडक्ट का वैल्यू है, और इस प्रकार से मैंने वहां से बोलना करना स्टार्ट यूट्यूब से गूगल से। तो ऐसे नॉलेज था करते करते फिर मैं फाइनली देखा कि देखो तो बहुत है लेकिन लास्ट में आके मेरा वो एफएलपी पे रुकता है। एफएलपी में फिर मैंने इस पर्सन को बताया था 2015 में, वेट ने मेरे को 2015 में बताया था, बहुत दोस्त मेरे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हो गया मेरे को क्या है ये और फसवाने होते। आपकी कुछ आवाज समझ में नहीं आ रही, नेटवर्क इशू लग रहा है। चलिए काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो इनकी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे और पोपट जी को तो पता है कैसे ये आए, और लेकिन आगे की जो स्टोरी है ना कि आफ्टर ज्वाइनिंग फॉरएवर, फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद ये किस तरीके से काम करते हैं, ये बहुत अच्छा लर्निंग होगा हम सब लोगों के लिए। रिटेलिंग करके कैसे काम कर रहे हैं। यस, आ गए आप। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, अब ठीक है। आ रही सर अभी बात। हाँ अब ठीक है। तो होता क्या सर कि मैं फिर वापिस उसी पर्सन को ढूंढना स्टार्ट करता हूँ जो 2015 में मेरी लाइफ में आया था। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि इस व्यक्ति ने मेरे को मतलब कुछ अच्छा समझाया था, कुछ अच्छा बताया था, लेकिन मैंने उनको काफी नेगेटिव तरीके से देखा था और कुछ नेगेटिव बोल भी दिया था उनको। तो मैंने उनसे सॉरी मांगने के लिए उनसे दोबारा कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन पता चलता कि सर वो उस समय उस बिजनेस को छोड़ इस बिजनेस को छोड़ चुके थे। तो मैं फिर स्टार्ट किया कि वापिस अभी मैं किसको ढूंढूं, किसके साथ ये काम करूं, मैं किस पे अपना ट्रस्ट कर सकता हूं कि मुझे वो धोखा ना दे। तो मैंने सर्च करना शुरू किया, 8-10 लोगों को मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया, जिसमें से एक तरुण अग्रवाल है, जिसमें से एक भट्टी भट्टी करके टाइटल था उनका, और काफी सारे, और एक रमेश कुमार नाम से थे। तो करीबन 8-10 लीडर को मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। तो लास्ट में मेरे सामने ऑप्शन 2 का ही रह गया था सर, एक तरुण अग्रवाल और एक इनका नाम था गुलाटी। तो मैं 2 को फॉलो कर रहा था। गुलाटी सर को मैंने फोन कराया, 1-2 बार फॉलो किया, तो उनके पास शायद उस समय टाइम नहीं था। तो फिर मैंने तरुण सर का नंबर ढूंढना स्टार्ट किया, यूट्यूब में गया, यूट्यूब से फिर मैंने तरुण सर का नंबर निकाला, तरुण सर से कांटेक्ट किया। तो बातों से जो ट्रस्ट आ रहा था तरुण सर पे, लेकिन थोड़ा पूरा कंफर्म नहीं था मैं, फिर भी मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था। और तीसरा पॉजिटिव में मेरे को ये 2 ही दिखाई दे रहे थे। फिर मैंने तरुण सर से बात की, इसके बारे में अपनी आईडी भेजी, आईडी को एक्टिवेट करवाया, और 2019 के करीबन अप्रैल में मैंने दिल्ली नारायण से जाके 1cc के करीबन प्रोडक्ट लिए, जो मेरे को हेल्थ के इशू में सजेस्ट थे। और मैंने उस प्रोडक्ट को जैसे ही लेना स्टार्ट किया, तो प्रोडक्ट के जो रिजल्ट मिले वो बहुत ही अमेजिंग मिले। मतलब मेरा ट्रस्ट एकदम इतना बढ़ गया प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा। शुरू में मैं सोच के आया था सिर्फ यही कि मैं इस काम को करूंगा नहीं, लेकिन प्रोडक्ट अगर मेरे को काम कर गए तो चलो ठीक है, किसी किसी को वैसे बता देंगे, लेकिन मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा शायद, मुझे इतना ट्रस्ट नहीं था अपने ऊपर। तो जैसे ही प्रोडक्ट को मैंने यूज करना स्टार्ट किया, तो ट्रस्ट इतना बढ़ गया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं धीरे धीरे बताना भी स्टार्ट किया। उस समय मैं तरुण सर से जो कॉन्टेक्ट हुआ था वो फोन पे हुआ था और YouTube के माध्यम से हुआ था।
फिजिकली नहीं मिले थे, फिजिकली करीबन एक महीने बाद में मैं तरुण सर से मिला और दिल्ली एक होटल में सर मेरे को लेके गए। तो उस समय भी मैं थोड़ा डरा हुआ था कि कहीं इस बिजनेस में कहीं मैं फंस ना जाऊं या कुछ और मेरे साथ में कोई चीटिंग ना हो जाए। मेरा सबसे जो बड़ा डर था कि इस बिजनेस को लेके, कि मतलब मैंने जितना सुना था और एक दो बार मैंने बचपन में किया भी था, बट वो स्कीमें अलग टाइप की थी, तो वहाँ पे डर यही था कि फ्रॉड होने के चांस बहुत ज्यादा रहते थे। तो मैं डरा हुआ था कहीं भाई अजनबी व्यक्ति है, दिल्ली का है, दिल्ली के तो वैसे लोग तेज होते हैं, कहीं मेरे को ये फंसवा ना दे और मैं तो आर्मी पर्सन हूँ कुछ करके, मतलब बहुत डरा हुआ जरूर था मैं। तो धीरे धीरे तरुण सर के साथ में बैठा, जब बातचीतें की तो लगा कि मतलब ये व्यक्ति जेन्युइन है एक्चुअल में और शायद मुझे धोखा नहीं देगा, इसके साथ में काम करने में शायद मेरे को डर नहीं है कोई। धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे जो FLP ग्रुप के अंदर और भी बहुत सारे लीडर थे उनसे बातचीत होने लगी, उन लीडर से भी धीरे धीरे मिलने लगा। कहीं ना कहीं मेरे को एक डाउट भी आने लग गया कि जैसे बहुत सारे लोग नीचे लेवल से तो आते ही हैं, जिसको कोई रोजगार नहीं था वो रोजगार के लिए आए थे और आज सक्सेस हो चुके हैं, या किसी के पास में अच्छी जॉब नहीं थी उन्होंने ये काम करना स्टार्ट किया। लेकिन मैंने देखा कि जो लोग 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये, 3,00,000 रुपये कमा रहे थे पहले से ऑलरेडी अपने अपने किसी न किसी बिजनेस में या जॉब में, वो लोग अपना काम छोड़ के इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या है इस बिजनेस में। तो जैसे कि बोला जाता है, बताया जाता है कि ये मतलब जो होती हैं चीजें, ये जो ऊपर जो लोग जाते हैं वो जो कंपनियां स्पेशल उनको ले लेती हैं, या जो पहले आते हैं सिर्फ वही जाते हैं ऊपर, या फिर मतलब बहुत सारी कंपनियों में ऐसा बोलते हैं लोग कि मतलब जो लीडर होते हैं वो खरीदे जाते हैं, उनको डायरेक्टली ऊपर बिठा दिया जाता है, तो बाकी सब नीचे ही रहते हैं। और मेरे सामने भी ये मतलब कई दिमाग में थे सवाल, क्योंकि लोग मेरे सामने नेगेटिव आते भी थे और मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि जो लोग स्टोरी सुनाते हैं, ये जो बताते हैं, ये सिर्फ एक बनी बनाई स्टोरी अपनी लेके आते हैं और आके लोगों को सुना देते हैं और मोटिवेशन करते हैं, और ऊपर वाले ऊपर ही रहते, नीचे वाले नीचे ही रहते। तो मैं कहीं डरा हुआ था कि मैं काम है ना उसी हद तक ही करूंगा और तब जाके दूसरों को बताऊंगा, पहले मैं खुद ट्रस्ट करूंगा कि एक्चुअल में होता यहाँ पे क्या है। फिर मैंने लोगों की स्टोरी निकाल निकाल के देखनी स्टार्ट करी, ये बैक में क्या थे, उससे बैक में क्या थे, उससे बैक में क्या थे। जब मैंने लोगों के बिल्कुल बैक में जाके देखना स्टार्ट किया कि ये तो कुछ भी नहीं थे, इनको तो बोलना भी नहीं आता था और आज बहुत अच्छे बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम बिल्कुल श्योर है कि यहाँ पे कुछ सिटिंग तो नहीं है और यहाँ पे कोई राजनीतिक भी नहीं है कि मतलब किसी को रिश्वत दे के या कुछ प्रमोशन लिया जा सकता है, और यहाँ पे कोई कास्ट वाइज भी नहीं है कि किसी को प्रमोशन जो है किसी की सिफारिश वगैरह से पहले मिल सकता है। बट ये मैंने जरूर पाया और ये मेरे को सबसे अच्छा लगा कि इस बिजनेस के अंदर जिस व्यक्ति के अंदर दम है वही आगे जा सकता है, भले ही वो बाद में आया हो। लोग बोलते हैं कि जो सबसे बाद में है उसको क्या मिलेगा, लेकिन मेरे को सबसे अच्छा जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट लगा वो यही लगा कि इस बिजनेस में जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे आगे भी जा सकता है, वो सिर्फ अपनी अकेले की मेहनत के बल पे आगे भी जा सकता है, पहले जो आए हैं उन्हें भी मतलब क्रॉस कर सकता है। तो तब मेरे को ट्रस्ट आया कि ये बिजनेस जो है वो एक्चुअली रियली जो काम करते हैं उन काम करने वाले व्यक्तियों के लिए है, न कि मतलब आया और काम किया और फिर लीडर की तरह बैठ गया और मतलब क्या है कि नीचे वाले नीचे ही रहेंगे और ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ना जब इस चीज को ज्वाइन करते हैं तो ये नेगेटिविटी आती है, जहां मैंने फेस कराया कि मतलब तू कम सा पढ़ा हुआ व्यक्ति, मैं इतना ज्यादा पढ़ा हुआ हूँ, तो तू मेरे को मतलब क्या नीचे लगाएगा, क्या मैं तेरे नीचे ही रहूंगा। बट ये बिजनेस है ऐसा कि नीचे वाला व्यक्ति भी ऊपर जा सकता है, उसके अंदर खुद के अंदर दम होना चाहिए। यहाँ कोई किसी का बोस नहीं है कि वो ही उसके ऊपर रहेगा, नीचे वाला कभी भी किसी को क्रॉस कर सकता है। ये चीज जब मेरे को समझ में आ गई, मेरे को क्लियर होगी, तब फिर मैंने इस चीज को लोगों को बताना स्टार्ट किया कि भाई इस प्लान में ही ऐसा सिस्टम है कि कोई भी किसी को क्रॉस कर सकता है। तो जब मैंने बताना स्टार्ट किया तो काफी सारे ऑब्जेक्शन आए मेरे सामने
तू कहाँ फंस गया, तू ये गलत गाइड में जा रहा है, क्यों लोगों को लुटवा रहा है, मतलब काफी टाइप के मतलब ऑब्जेक्शन आए मेरे सामने कि भाई इतनी महंगे प्रोडक्ट हैं, ये कंपनियां तो ऐसे होती हैं वैसे होती हैं। बट मेरे को जो खुशी होती थी वो तभी होती थी जब मैं किसी को प्रोडक्ट देता था और जब वो रियली उस प्रोडक्ट का फायदा लेता था, उसकी हेल्थ में इम्प्रूव आता था, तो मेरे को बहुत खुशी होती थी। मतलब देखो पैसा मिलता है वो चीज़ एक अलग होती है, बट जब किसी की हेल्थ इम्प्रूव होती थी तो मुझे सबसे अच्छा वही लगता था कि मैं किसी को एक प्रोडक्ट के थ्रू, जो कि मेरे पास में कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोडक्ट सजेस्ट करके मैं किसी की लाइफ को चेंज कर पा रहा हूँ। तो इसी काम से मोटिवेशन होते हुए मैं इस काम को स्टार्ट किया धीरे धीरे आगे। अभी इस काम के अंदर मैं ज्यादा जैसे अपना तो इस काम में मैं अपने जो ग्रुप को जो आगे तो नहीं बढ़ा पाया, बट जो प्रोडक्ट का जो रिटेलिंग है वो मैं अच्छे से। आई थिंक कॉल आ रहा है आपका। हाँ थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है सर, कॉल आ रहा है साइड से। तो एक्चुअली मैंने सर जब इस बिजनेस के अंदर ये पॉजिटिव पाई कि मैं लोगों को हेल्थ दे सकता हूँ, तो फिर मैंने धीरे धीरे इस बिजनेस के साथ में इस जो बिजनेस की जो मीटिंग है उस मीटिंग को अटेंड करते करते और भी बहुत सारे आइडिया आने स्टार्ट हुए कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे जो बहुत ही कम समय में लर्न करके, जैसे तरुण सर एक वेबिनार देते थे उसके अंदर सिखाते थे कि जो दो काम है, एक जो माउथ ऑफ वर्ड जो मैं कर ही रहा हूँ, माउथ ऑफ वर्ड से जो पैसे आ सकते हैं, दूसरा वर्ड ऑफ माउथ। थोड़े समय में सीख के दूसरों को सिखा सके। तो इसके लिए ऐसा क्या हो सकता है? तो जैसे एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर के जो कोर्स होते हैं कम समय के होते हैं, हालांकि मेरे को इसके बारे में नॉलेज पहले से भी थी लेकिन ट्रस्ट नहीं था इतना। उसी समय मैंने इस कोर्स को भी फिनिश किया और मैंने फाइनली एक छोटा क्लिनिक स्टार्ट किया थेरेपी का, और उस थेरेपी के क्लिनिक के साथ में कुछ पैसिव इनकम के साथ में कुछ एक्टिव इनकम का भी मैंने सोर्स जनरेट किया ताकि साथ के साथ बैलेंस बना रहे। क्योंकि देखो लाइफ में पैसिव इनकम आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर साथ के साथ अगर एक एक्टिव इनकम भी है तो बैलेंस बना रहता है। तो उसके साथ में मेरा बैलेंस बना और धीरे धीरे वहां से भी थोड़ी अर्निंग आनी स्टार्ट हुई। साथ में साथ प्रोडक्ट भी मैं सजेस्ट करने लग गया, लोग फिर धीरे धीरे मेरे से खुद भी पूछने लग गए कि भाई इसके लिए ये प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या लेना चाहिए, इसके लिए क्या लेना चाहिए। तो ये चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसमें मैंने पहला जो प्लान है वो 1.5 CC का जो प्लान मिला था 6 महीने के लिए मैंने पहला प्लान स्टार्ट किया। हालांकि मेरे पास में उस समय कोई कस्टमर नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे को बिलीव था कि प्रोडक्ट जो है सेल हो सकता है और मैं क्यों ना इस प्लान का जो है फायदा उठाऊं। मैंने रिस्क लिया, मेरे पास पैसा नहीं था एक्चुअली में, मैंने अरेंज कराया कहीं से पैसा अरेंज करके उस प्लान को पूरा किया 6 महीने के लिए। 1.5 CC का जो प्लान था उसमें एक प्लान था कि प्रोडक्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में आपको पर 1.5 CC पे आपको एक एलोवेरा की बोतल मिलेगी। तो मैंने देखा कि एक तो कंपनी की तरफ से प्लान चल रहा है जिस पे डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरा डिस्काउंट उस टाइम में कुछ ऑफर भी चल रहे थे, दूसरा वो बेनिफिट मिल रहा था, तीसरा हमारी टीम हमारे को एक 1800 रुपए की बोतल है वो मतलब गिफ्ट में दे रही है। चौथा एक जब हम उस प्लान को कंप्लीट कर देते हैं तो बाहर घूमने का प्लान मिल रहा है, जो कि मतलब एक फ्लाइट के लिए कहीं भी जाने का आने का एक ऑफर निकाले हुआ था तरुण सर ने। तो मैंने देखा यार क्यों ना इस ऑफर का फायदा उठाया जाए। तो हालांकि मेरे पास में कोई कस्टमर नहीं था और मैंने वो प्रोडक्ट उठाए और मैं डंप करता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो प्रोडक्ट मेरे निकल गए। वो निकले भी शायद इसीलिए क्योंकि मेरे पास में जब माल इकट्ठा हो गया तब मेरे ऊपर प्रेशर आने लग गया कि भाई जिससे पैसा लिया उसको पैसा वापस देना भी है। तो मैंने वहां से ये चीज सीखा कि जब तक हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होगा किसी काम का, जब तक हम शायद उस काम को नहीं कर पाते। हमारे पास अगर प्रोडक्ट ही नहीं है तो कभी कस्टमर आएगा उस टाइम हमारे पास प्रोडक्ट होगा नहीं, फिर हम कल मंगवाएंगे परसों मंगवाएंगे उस टाइम तक कस्टमर चला जाएगा कहीं ना कहीं। तो मैंने तब उसी चीज को समझा कि अगर हमारे पास में प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है
एक तो हमारा कस्टमर जो है वो नहीं जा पाएगा, हम उसको तुरंत का तुरंत प्रोडक्ट दे सकते हैं। दूसरा कि जब माल होगा पास में तभी हमारे को मतलब प्रेशर आएगा पीछे से कि इसको कुछ किया जाए, इसको कहीं ना कहीं बताया जाए इसके बारे में, और तभी हम उसको बता पाते हैं और तभी बिजनेस आगे बढ़ता है। और मैंने फाइनली उस जो स्कीम का बहुत बढ़िया बेनिफिट उठाया। उसके बाद में अभी धीरे धीरे मैंने और ग्रोथ करी, और जब सुपरवाइजर का मैंने प्लान किया तो सुपरवाइजर का जब प्लान किया उस समय भी मेरी टीम में कोई एक्टिव नहीं था। मेरे साथ में कुछ लोग थे काम करने वाले जिन्होंने प्रोडक्ट वगैरह लिए थे, लेकिन वो काम करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, उनके पास समय नहीं था या मतलब उनके रीजन थे अलग अलग। लेकिन फिर भी मैंने बिलीव किया कि जब मैं 1.5 वाला कर सकता हूँ तो मैं सुपरवाइजर भी कर सकता हूँ। और मैंने एक जो प्लान चल रहे थे उसके समय पे ही मैंने अपना प्लान बनाया कि मैं सुपरवाइजर करूंगा, और अकेले ही मैंने सुपरवाइजर कराया, जिसके दौरान मैंने जो प्रोडक्ट है वो कुछ बेनिफिट में भी लिए। जैसे प्लान चल रहा था एक के साथ में एक गिफ्ट चल रहा था या दो के साथ में एक गिफ्ट चल रहा था, उसका फायदा मैंने लिया और प्रोडक्ट को मैंने डंप किया अपने पास में, और धीरे धीरे वो प्रोडक्ट निकल भी गए। आज कुछ प्रोडक्ट बचे हुए भी हैं तो उनकी एक्सपायरी बहुत लंबी है, मेरे को पता है वो निकल ही जाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ नेगेटिव भी आया, एक दो प्रोडक्ट मेरा एक्सपायरी भी हुआ, बट मेरे को गिफ्ट भी मिला हुआ था कहीं ना कहीं, तो मैंने उसको यहाँ भी एडजस्ट कर लिया कि जब एक्सपायरी आने से पहले ही मैंने उसको खुद कंज्यूम भी कर लिया। तो मेरे को एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर हुई है, और यही मैं औरों से भी कहना चाहूंगा, जब तक हम किसी बिजनेस में थोड़ा हा मतलब इसको रिस्क मान लो या थोड़ा हा इंटरेस्ट मान लो, जब तक हम उसमें नहीं लेंगे तो शायद हमें कोई पीछे से पुश नहीं मिल पाएगा। जब तक पुश नहीं मिलेगा तो शायद उस काम को हम नहीं कर पाएंगे। अभी जो तीन चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि मेरे पास में और भी बहुत सारी कंपनियों के जैसे मतलब मार्केट प्लान लेके लोग आते हैं, और जब से स्टार्ट किया तब से लेके आज तक भी आ ही रहे हैं, आज भी कोई ना कोई आया हुआ था। वो लोग देख रहे हैं कि ये मतलब काफी बोलने की जो उसकी स्किल थी बहुत वीक थी और अब अच्छी हो चुकी है, तो कोई पुराना लीडर भी आता है या कोई नया लीडर भी आता है, सर आप इसमें आ जाओ, इसमें ये बेनिफिट है वो बेनिफिट है। मैं सिर्फ तीन ही चीजें पूछता हूँ उससे, भाई देखो आप किसी कंपनी में हो, मैं किसी कंपनी में हूँ, मेरे को नहीं पता, मैंने तीन चीजें सर्च की हैं, वो तीन चीजें अगर आपको लगे कि फॉरएवर में है या आपको लगे कि आप वाले में है, तो आप खुद डिसाइड कर लो। एक जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, अगर इससे अच्छी क्वालिटी आपके पास में हो तो मेरे को बताओ। ठीक है, दूसरा भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो एक चलो ठीक है भाई, हम जिसको देंगे उसके रिजल्ट आएंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी। दूसरा भाई हम काम किस लिए कर रहे हैं, कमीशन के लिए। अगर कमीशन यहाँ ज्यादा है या आपके वहां ज्यादा है, वो चीज आप कंपेयर कर लो। आप पहले रिसर्च करो, इस चीज को क्लियर करो कि कमीशन कहाँ पे कितना है। अगर आपको लगे कि कमीशन वहां ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा है, तो आप डिसाइड करो। तीसरा, आज जो हम काम कर रहे हैं, मैं जिस टीम के साथ में काम कर रहा हूँ, वो टीम किस प्रकार से काम कर रही है और आप किस प्रकार से काम कर रहे हो। आज भी लोग डोर टू डोर घूम रहे हैं, ठीक है, और ये टीम जो है जिसके साथ में काम कर रहा हूँ, ये टीम उस टाइम से इस तरीके से काम कर रही थी जिस टाइम कोरोना भी नहीं था, मतलब एक एक एडवांस लेवल पे काम कर रही है। मतलब एक मैं यही बात बोलता हूँ कि भाई अगर एक आदमी अगर पहले बस में जाता था, फिर वो धीरे धीरे ट्रेन में जाने लग गया, फिर आज उसको फ्लाइट का पता है, वो फ्लाइट में भी जा रहा है, और अगर आज फ्लाइट की वो टिकट लेके जा रहा है, भाई उसको दिल्ली से अगर आसाम जाना है, गुवाहाटी जाना है, और उसको कोई बोले भैया भैया रुक रुक मैं आपको एक ट्रेन में लेके चलता हूँ, तो भैया प्लेन वाला व्यक्ति ट्रेन में क्यों जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली प्लेन में आओ ना, तो हमारे पास में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी दूसरे के पास में जाके प्रेजेंटेशन दे सकूं या किसी को बता सकूं,
मेरे पास में ऑनलाइन माध्यम है, लोग मेरे से खुद कनेक्ट करते हैं ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है, मेरा कोई टाइम नहीं लग रहा, मेरी कोई स्किल नहीं लग रही, मेरे पास ट्रेनिंग देने वाले जो मेंटर हैं वो अवेलेबल हैं, मेरा वहां भी टाइम खराब नहीं हो रहा, मेरे को सिर्फ एक लिंक तो सेंड करना है, इससे भी इजी अगर मैं नहीं कर सकता तो और मैं शायद मैं किसी कंपनी में किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पाऊंगा। एक लिंक ही तो उठा के उसको देना है, प्रेजेंटेशन कोई दे रहा है, प्लान कोई समझा रहा है, और जो भी कंपनी के टेस्टोमनी वीडियो जो बनाए हुए वो दुनिया भर के बनाए हुए हैं, मतलब एक एक चीज बनाए हुए, मेरे को तो अपने माउथ से कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, माउथ से बताने की ये जरूरत है कि मैं हूँ और इस ग्रुप के साथ में हूँ, और मेरे को आज बताने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर मैं जाऊं कहाँ, दूसरी जगह मेरे लिए ऑप्शन क्या है कि मैं, मेरे को और ज्यादा क्या मिल सकता है इससे, ठीक है। तो यही चीज आप लोग भी अगर ट्रस्ट करोगे या देखोगे, क्योंकि ये बिजनेस होते ही ऐसे हैं, एक जगह पे आदमी आज काम कर रहा है तो कुछ दिन बाद में बोर हो जाता है, उसको कहीं दूसरा ज्यादा दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि लोग दिखावे के काम जो है बहुत ज्यादा कर रहे हैं, गलत तरीके से लोग बहुत गलत तरीके से सजेस्ट कर रहे हैं। एक हमारे ग्रुप को छोड़ के शायद इस कंपनी के नहीं, किसी भी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो कंपनियां अच्छी हैं लेकिन उसके जो प्लान है उसको गलत तरीके से लोगों को शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें भी हो सकता है, FLP में भी हो सकता है, लेकिन इस ग्रुप के अंदर मैंने सबसे बड़ी पॉजिटिव यही देखी है कि लोगों को, लोग आए मत आए लेकिन मिस गाइड नहीं किया जाता, यही सबसे प्लस पॉइंट मेरे को लगता है कि कोई आदमी आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, मिस गाइड नहीं करना है, आज नहीं तो कल वो आएगा ही आएगा, क्योंकि बाहर मिस गाइड बहुत ज्यादा किया जाता है, इसीलिए लोग टिकते नहीं है, फिर वो भागते हैं इधर उधर, ठीक है। और मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को, वो आज नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, वो देख रहा है हमारे को, वो कंपेयर कर रहा है हर रोज कि वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या, वो आएगा एक दिन, बिना बुलाए भी आएगा, बस आप अपनी जगह पे सही तरीके से काम करते रहे, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन ही शेयर करें, गलत इंफॉर्मेशन ना शेयर करें, या किसी को गलत मतलब लालच ना दे कि आप यहाँ जाओ तो आपको यहाँ ये मिल जाएगा, और लालच अगर दो किसी को या कोई ऑफर दो तो उसको क्लियर भी करो, ठीक है, उसको ये नहीं कि उसको पहले ऑफर दे दिया, उसको कर दिया कि हम आपको ये हेल्प करेंगे वो हेल्प करेंगे, और फिर उसके बाद में आने के बाद में उसको हेल्प ना की जाए तो फिर चाहे कितना भी अच्छा हो वो छोड़ के चला जाएगा एक दिन, उसको जितना हम कर सके, मतलब रियल 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 बातें करी जाए, रियल बातें की जाए, बिल्कुल बिल्कुल। आज लोग इस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री अगर बदनाम है किसी कारण से तो इसी कारण से बदनाम है, लोग गलत तरीके से लोगों को लेके आते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपसे बस मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने, चलिए बहुत ही शॉर्ट में बताइएगा कि आपको अभी रिसेंटली एक दो लोगों ने जिन्होंने भी अप्रोच किया था, आपको क्या लगता है कि ऐसा उन्होंने क्या गलत तरीके से अप्रोच किया था, एक दो पॉइंट में बताइए, ज्यादा लंबा नहीं, कि क्या गलत तरीके से उन्होंने अप्रोच किया, क्या बोल के, अरे भाई तुम तो बहुत बढ़िया बोल रहे हो, आ जाओ हमारे साथ, चमत्कारी कंपनी है, क्या बोला उन्होंने? जी सर, उन्होंने अप्रोच किया कि आप यहाँ अगर आ जाते हो तो आपको जो हमारे लीडर हैं डायरेक्ट उनसे मिलवा देंगे और उनकी तरफ से आपको एक पार्टी दिलवाएंगे और आपको आते ही, मतलब क्या है, आप यहाँ पे तो मतलब इतना नहीं कर पा रहे, आपको आते ही स्टेज के ऊपर आपको मिलवाएंगे, मतलब और प्रोडक्ट वगैरह में भी उन्होंने काफी आपको एक्स्ट्रा एक ऑफर दिलवा देंगे। मैंने पूछा भी कई बार क्या आपकी कंपनी में ऑफर चल रहा है ये, बोला नहीं कंपनी में नहीं चल रहे, आपको दिलवा देंगे। भाई देखो हमारी कंपनी में अगर ऑफर चलता है वो सबके लिए होता है, स्पेशल नहीं होता किसी के लिए, ठीक है। तो मेरे को ऐसा काम चाहिए नहीं कि जो स्पेशल एक एक व्यक्ति के लिए हो, क्योंकि आज आप मेरे लिए बोल रहे हो तो वो चीज कल ना कहीं दूसरे के लिए भी होगी कल, ठीक है। जो चीज ओपन नहीं है वो चीज गलत है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वहां मैंने मतलब वहां पे ट्रस्ट जो है, क्योंकि मैंने बिल्कुल क्लियर बताया कि यहाँ पे जो ऑफर है वो बिल्कुल क्लियर होता है सबके सामने, जो भी ऑफर आता है, सही बात है। ट्रस्ट की कमी से आपने सोचा, लेकिन मैं एक बहुत ही छोटी सी एक, जैसे ये जो भी बता रहे हैं डॉक्टर AKJ बाबा, कुछ फोटोज में दिखाना चाहूंगा, जो इन्होंने जो पूरी स्टोरी अपनी शेयर करी, तो ये है वो फोटो जब ये दिल्ली में नारायणा में हमें मिले थे, आपको याद है? जी सर, ये बिल्कुल नारायणा में, और ये तब की फोटो है जब हम लोग वहां मिले, और जब वो बता रहे थे कि
और ये एक बार नोएडा आए थे आप मेरे से मिलने के लिए? जी सर बिल्कुल, ये नोएडा में हमारी सोसाइटी का ये क्लब है, तो वहाँ पर जब मिलने आए थे, ये वहाँ की फ़ोटो है ये। तो स्टार्टिंग में काफ़ी आप रिसर्च कर रहे थे, काफ़ी टाइम आपने कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी ली, अच्छे से सोच समझ के फिर आपने डिसीजन लिया। जी फिर ऑनलाइन मीटिंग में आप आने लग गए थे, फिर इस तरीके से आपके क्लिनिक में हम लोग आए थे, मैं और बब्बर जी। जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप देखेंगे इनकी क्लिनिक में, बहुत ध्यान से देखें तो देखिए प्रोडक्ट नेक्टर पड़ा हुआ है, ओके, और एलो हैंड वॉश भी है, एलो हैंड हैंड सोप है, एलोवेरा है, और हनी टेबल पे एक्टिवेटर है। हाँ ये एक्टिवेटर भी है, यस, और यहाँ पर हनी भी रखा हुआ है, ओके। तो बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और लोगों को आप यूज करवाते भी थे। नाउ और दिखाता हूँ मैं कुछ फोटो, काफी इंटरेस्टिंग फोटोज हैं। ये देखिए, ये बब्बर जी चेक कर रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं ये। तो ये आपकी क्लिनिक, सर आपने सारे फोटो संभाल के रखे हुए सर। तो मैं सोचा आपकी मीटिंग के टाइम ही करेंगे। तो ये आपके पेशेंट आई थिंक, ये टोपी वाले है ना? जी सर पेशेंट आए हुए थे। तो इस तरीके से क्या, किस टाइप का ट्रीटमेंट है, मतलब कुछ एक्यूपंक्चर टाइप का ट्रीटमेंट करते हैं आप, है ना? जी सर, ये एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर मैग्नेट थेरेपी है, मैग्नेटिक थेरेपी, और साथ में आप फॉरएवर के प्रोडक्ट भी फिर आप रिकमेंड करते हैं उनको। जी सर और जिसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मैंने लिए हैं सर, मतलब जो प्रॉब्लम मतलब डॉक्टर के सजेस्ट से कहीं ना कहीं बाहर थी, और पेशेंट मतलब जो दवाई के नाम से इतना चिढ़ा हुआ था कि दवाई नाम तो मैं लगवाऊंगा भी नहीं, वो मैंने इन प्रोडक्टों से बिल्कुल क्लियर किए हैं सर। ये आपके क्लिनिक के बाहर की फोटो है। जी सर, ये फोटो है। और एक बात मैं आज बोलना चाहूंगा सर मीटिंग में, कि हमारी जो पुरानी यादें है ना, वो मैं संभाल के रखनी चाहिए। राइट, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छे से बोलने लग जाऊंगा, मैं बहुत अच्छे से दिखने लग जाऊंगा, तब मैं मतलब अपनी स्टोरी लोगों के साथ में शेयर करूंगा। आज मैंने जो रिकॉर्डिंग भी करवाई वो इसीलिए ही करवाई क्योंकि लोग है ना बोलते हैं सर कि ट्रस्ट नहीं करते हैं, कि जब लीडर बन जाता है, जब बहुत अच्छा लीडर बन जाता है और काफी सारा अचीवमेंट उसके पास में आ जाता है, जिस दिन वो स्टोरी सुनाता है अपनी, तो लोग ट्रस्ट नहीं करते कि ये बात बनी बनाई होगी इसकी। बट अगर वही चीजें हमारी अगर बैक की हैं, हम पहले क्या थे एक्चुअली में, और आज कब वो चीज हम कहां पे आए हुए हैं, तो तब लोगों को बताने की जरूरत नहीं रहती। और यही चीज मैंने सर्च की थी, मेरे को भी बिलीव नहीं था कि ऐसा होता है क्या, जब मैंने लोगों की स्टोरी बैक में जाके देखनी स्टार्ट की थी कि ये लोग थे क्या पहले, ये लोग किस तरीके से बोलते थे, ये लोग किस तरीके से पहनते थे, तो तब मेरे को बिलीव आने लग गया कि नहीं, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली आदमी जो जीरो से ही आता है और जीरो से ही हीरो पे जाता है। बिल्कुल, ये रविंदर कुमार है हमारे बिहार के, कुमार यादव, उनके बड़े गजब के वर्ड रहते हैं, और मैंने उनकी स्टोरी जो है बहुत बैक से जाके देखी है, मतलब ये सच्चाई है कि जो इस बिजनेस के अंदर जीरो से आता है वही हीरो पे जाता है, और यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई प्रमोशन में राजनीति नहीं है, कोई मतलब किसी प्रकार का वो नहीं है, सिर्फ अपनी मेहनत के बल पे है, जो कुछ जो अपनी मेहनत करेगा, जो हकदार होगा उसी को मिलेगा, है ना? स्पेशल उसी को ही मिलेगा सर, बिल्कुल सर, श्योर है सर ये चीज। चलिए वेरी गुड। चलो बाबा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे अनिल, डॉक्टर अनिल जाखर के लिए? नहीं सर, मैं तो बिलीव करोगे, आज मेरा इनको लेकर पूरा चेंज हो गया नजरिया, मतलब कि थैंक यू सर। एक तरह से मिलिट्री मैन है, होता क्या है कि हरियाणा के लोग होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, उनकी लैंग्वेज होती है ना, अगर वो प्यार से बोलते हैं ना तब भी होता है डांट रहे हैं। अगर इतना अच्छा माइंड के चल रहे हैं ना, ये बिलीव करना, यकीन नहीं हो रहा आप बता रहे हैं ना, और बहुत टाइम बाद मेरे को सुनने का मजा भी आ रहा है आज। राइट, मैं ऊपर टहल रहा हूँ छत पे अपनी, और इसके सुन रहा हूँ प्यार से। नहीं, मुझे एक चीज और याद है, आप मेरे आपसे बात हो रही थी कि किस पे फोकस करें, क्या करें, क्या करें। हाँ बिल्कुल, मैं तो अभी आपको कल फोन करूंगा आपको दोबारा से। हाँ, तो आपने मुझे एक बात बोली थी कि ये जो डॉक्टर अनिल जाखर है ना, ये तो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। मुझे यही बोला था कि इनको ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, इनको आप ज्यादा सिखाएंगे ऑनलाइन ज्यादा सिखाएंगे ना, तो ये देसी है, इनको देसी तरीके से काम करने दीजिए, इनकी अपनी ओरिजिनलिटी को मतलब खत्म मत होने दीजिए, तो ऑटोमेटिकली मतलब उसी की तरह आप कर ही रहे हैं, और सुपरवाइजर लेवल आपने हिट कर ही लिया। नहीं था, बहुत बढ़िया था, और मैं देख रहा हूँ कि इस टाइम है तो ड्यूटी पे,
बट सारा फोकस यहीं पे है जी सर। पर मैं चाहूंगा कि अभी तो आप शायद नहीं आ पाएंगे संडे को, क्योंकि वहां कब तक रहेंगे आप सिलीगुड़ी में? सिलीगुड़ी में शायद एक दो दिन और रहेंगे सर। अच्छा फिर कहाँ आएंगे, वापस आ देंगे? फिर उसके बाद में वापस असम चले जाएंगे सर, गुवाहाटी के पास में। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारी ना एक मीटिंग है इस कमिंग संडे 12 बजे, तो हम आपको यहीं से आप हमें प्लीज 12:30-1 बजे तरुण जी को या मुझे आप एक बार पक्का फोन करना उस टाइम पे, और हो सके तो वीडियो कॉल करना। जी सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल जी सर। याद से फिर बोल रहा हूँ संडे को 1 बजे करना, पूरे 1 बजे ठीक है। हमारी स्टार्ट है मीटिंग 12 से 2, बट आप पूरे 1 बजे फोन करना जी सर, मैं वेट करूंगा आपकी कॉल की। ओके सर ठीक है, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए और 3-4 मिनट के लिए और मीटिंग में कोई और डिस्कस, कोई और बोलना चाहेंगे आज की मीटिंग के बारे में, कुछ अपने थॉट शेयर करना चाहेंगे डॉक्टर जाखर के बारे में? क्या सीखिए आज आप? हेलो बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते बताइए। नमस्ते सर, एक ही चीज सर, आपका रियल नेम नहीं पता मुझे, तो सर आपका रियल नेम AKG? हेलो हाँ बोलिए बोलिए, तो आवाज क्लियर नहीं है, बोलिए बोलिए। सही सर आवाज? हाँ ठीक है, पर वो गायब हो गए सर। बोलिए बोलिए सर। यही मतलब लर्निंग है मेरी, ये मतलब मुझे तो लग रहा था बीच में कि मैं ही बहुत ज्यादा बिजी हो गया अपनी जॉब में या फिर फॉरएवर में, पर आज सर से मतलब जो बताएं तो बहुत अच्छी लर्निंग मिली आज के, तो सर थैंक यू सो मच फॉर दिस। मतलब काफी अच्छी लर्निंग मिली, जैसे मैं सोचता था कि मेरे को सैटरडे संडे मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं अपने यूट्यूब की वीडियोस में इंस्टाग्राम की रील्स में इतना बिजी रहता हूँ कि मैं कहीं जा नहीं पाता। मुझे लगता था मेरी लाइफ ही बिजी हो गया, सब अपने लिए टाइम निकाल ही लेते, पर सर की जैसे लाइफ देखी तो मतलब इतना इतना मतलब बहुत ज्यादा आपके अंदर फॉरएवर के बारे में इतना कुछ मैंने भी रिसर्च नहीं करी एटएलपी के बारे में ज्वाइन करने से पहले, पर आपने मतलब इतना सब कुछ रिसर्च करा और अच्छी लर्निंग मिली आपसे, तो सर वही है कि आपकी ट्रेनिंग का इंतजार ही रहेगा मुझे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलिए ग्रेट, ये निशान थे। और कोई शेयर करना चाहेंगे आज की मीटिंग के लिए? हमारे जो स्पीकर थे जो हॉट सीट में बैठे थे डॉक्टर अनिल जाखर, इनको और ज्यादा कॉन्फिडेंस देने के लिए, इनको और ज्यादा पावर देने के लिए? नहीं सर, मैं चाहूंगा कि दो लाइनें बोले मयंक जैन जी, क्योंकि मयंक एकदम बोलने के तैयार हो गया आज। नमस्ते। हाँ बस बस, क्या हाल है सर? सभी को बहुत बहुत नमस्ते, और AKJ सर को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने आज साबित कर दिया कि जीरो से हीरो बना जा सकता है, और आपको हीरो देख के हमें बहुत गर्व है। ऐसा सोल्जर मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, और आपने सोल्जर होकर भी डिजिटल नेटवर्कर बने आप, और इस आपका प्रोफेशन बिल्कुल अलग है, ये डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्किंग इस सबसे बिल्कुल अलग। आप एक फौजी हैं और फिर भी आपने अपने प्रोफेशन से के अलावा और भी अदर इनकम सोर्सेज जनरेट करने का सोचा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे इस तक होते हम जो एल्डर्स लोग हैं वो एक तरह से सेटल हो जाते हैं कि हाँ हमारा एक लाइन बन गई है, अब जो भी हमें काम धंधा करना है उसी लाइन पे करना है और कमाना उसी तरह से, लेकिन आपने अदर इनकम सोर्सेज के लिए सोचा और इस फील्ड में आए। आप अपना काम फौज में तो कर ही रहे हैं और अदर भी इनकम सोर्सेज जनरेट किए, तो बहुत काबिल तारीफ की बात है। और सर दूसरी बात सर से आज ये सीखी कि आपको वैल्यू एडिशन तो करना ही पड़ेगा अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो सर ने वैल्यू एडिशन के लिए इतनी बढ़िया इंस्पायरिंग स्टोरी है कि उन्होंने एक्यूपंचर और एक्यूप्रेशर अपनी एडिशन में लाए, उससे वैल्यू ऐड की और कहीं ना कहीं अलग सॉल्यूशंस निकाले उस तरह से, वरना फील्ड से हटकर ये सब चीजें सीखना और उसमें स्ट्रगल करना बिल्कुल जीरो से, मतलब आपको बिल्कुल पता नहीं रहता कि आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपने इस उम्र में नया इनिशिएटिव ट्राई किया जो काफी रिस्क वाली चीजें रहती हैं कि इस एज में यदि सक्सेस हुए नहीं हुए लोग क्या कहेंगे। मैं भी अपनी फील्ड से अलग हटके होने में बहुत कुछ सोचता हूँ, लेकिन आपने कैसे अपना मन बनाया होगा कि मैं ये सब मेडिकल वाली न्यूट्रिशन वाली लाइन है
और मैं देश का रक्षक हूँ, उस फील्ड में कैसे अर्निंग कर पाऊंगा, क्या सक्सेस हो पाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी आपने मन बनाया, काबिल तारीफ, और आज आप सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल सर, बहुत सर, इसके लिए सबसे बड़ी बधाई सर, मैं ग्रुप को देना चाहूंगा सर, मैं कुछ भी नहीं था, मैं जब इस ग्रुप में आया था तो मेरे को फेसबुक भी नहीं चलानी आती थी ठीक से, बस इस ग्रुप की बदौलत है सर कि मैं डिजिटल बन गया सर, क्योंकि कहते हैं जैसे शुभम रोहिला कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, तो जैसे लोगों के साथ में रहने लग जाता है तो 100% नहीं तो 10% तो आता ही आता है, और वो 10-10% करके एक दिन 100% चला ही जाता है। राइट, और जैसे अभी मयंक जैन बोल रहे थे कि आप इस उम्र में आप इतना बढ़िया कर रहे हैं, तो मयंक आपको क्या लगता है इनकी कितनी उम्र है, इनको इनके ये 18-19 साल के ही है बस, इनके सर के बाल देखेंगे काले ही हैं इनके। सर, आपने बता दिया, आपने इस टीम के साथ बन जाते हैं, आपने बना दिया उन्हें 17-18-19 साल का, यदि वो सेटल हो जाते ना लाइफ में कि मेरी बस जिंदगी यही कटनी है, मुझे कुछ नया नहीं सीखना और नए स्किल डेवलप, तो वो जरूर 60 के हो जाते, लेकिन अभी वो बिल्कुल, मैं 18 का कह सकता हूँ, वो अभी मुझसे ज्यादा सीख रहे हैं बिल्कुल। अब मैं ये चाहूंगा कि जिनका वीडियो ओपन है हम सब मिलके इनको एक सैल्यूट देते हैं, और जो अपना वीडियो ऑन नहीं कर सकते वो लिख के सैल्यूट कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये काम करिए, वीडियो ऑन कर ही लीजिए जितने लोग कर रहे हैं, और मैं एक फोटो ले लेता हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, और ओके सीमा जी भी हैं यहाँ पर, सीमा जी आप कुछ बोलना चाहेंगी वन लाइन फौजी के लिए? बंदा ठीक है, इतना तो बोल दीजिए। अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सागर भटनागर। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बताइए सागर। हाँ जी, तो सर फर्स्टली मैं कहना चाहता हूँ कि आज की मीटिंग बहुत 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 ज्यादा अच्छी थी, एक तो सबसे ज्यादा बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियल और बहुत इंस्पायरिंग, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी मीटिंग। और मैं बस सर से बस एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि सर रिटेल आप करते हैं, तो रिटेल में जैसे आपके एक्सपीरियंसेस रहे हो, या रिटेलिंग पे थोड़ी सी टिप्स और आपके एक्सपीरियंसेस जो रहे, आपको जैसे क्या क्या फायदे मिले, जैसे आपने कहा स्टार्टिंग में मैंने प्रोडक्ट यूज किया, तो किन किन प्रोडक्ट से क्या क्या फायदे मिले, थोड़े से अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में और डिस्कशन करें, क्योंकि बहुत मतलब मजा आया मीटिंग में बहुत ही ज्यादा। वैसे प्रोडक्ट के बारे में इनका प्लान है बताने का आगे, मतलब आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो डॉक्टर बाबा बता रहे थे कि मैंने उनको बोला था कि प्रोडक्ट से रिलेटेड भी बताइए डिटेल में, तो एक और मीटिंग करने वाले हैं, ये पार्ट टू। ओके, पार्ट टू में इनकी स्टोरी नहीं होगी, वो पूरा होगा एजुकेशनल कि कैसे ये रिटेल करते हैं, किस तरीके से कस्टमर इनको मिलते हैं, किस तरीके के ऑब्जेक्शन मिलते हैं, क्योंकि देखिए हमको ऑब्जेक्शन मिलते हैं अलग टाइप के, इनको अलग टाइप के ऑब्जेक्शन मिलते हैं, ठीक है, मतलब कि बीमार क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, तो वो पार्ट टू करेंगे जैसे ये डॉक्टर ए के जी बाबा जब अवेलेबल होते हैं। हाँ सर, एक चीज होती है मुझे, जैसे सर ने कहा कि इनका क्लिनिक है, तो मुझे एक चीज ये पूछनी थी कि जैसे कि जैसे वो कस्टमर्स मिलते हैं या जो रिटेलिंग करते हैं, वो क्लिनिक के थ्रू ही मिलते हैं मतलब, या वो सामने से भी अप्रोच करते हैं लोगों को, इसमें बहुत बड़ा हाथ इनकी मैडम का भी है। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा सर, मेरी पहली जो सेलिंग करवाई थी वो मेरी वाइफ ने करवाई थी, और पहला जो कस्टमर उन्होंने ढूंढा था तो उन्होंने ही ढूंढा था, मतलब इस बिजनेस के अंदर अगर आपका परिवार भी अगर साथ आपके है तो आप मतलब बहुत आगे तक जा सकते हो, क्योंकि जब तक परिवार साथ में नहीं है तो आदमी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। तो सीमा जी आप अनम्यूट कर रही हैं, हरियाणवी में कुछ बोलना चाहेंगे? अनम्यूट करिए, आपकी आवाज म्यूट है। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ आपको एक मिनट रुकिए, इससे पहले आप कुछ बोले, आपको हरियाणवी में ही बोलना है, ठीक है ना? हरियाणवी तो इतनी मुझे नहीं आती सर। चलिए बोलिए बोलिए, तो कैसा लगा आज का सेशन पूरा? बहुत अच्छा लगा सर। मैं कहना चाहती हूँ सर, अगर एक फौजी पर्सन अगर ऐसा बिजनेस कर सकता है तो हम लोग सिविल वालों के लिए तो मतलब ये बहुत छोटी सी बात है, कॉमन सी बात है। करेक्ट, सही बात है, क्योंकि इनसे भी मैंने काफी सारी बातें सीखी है, जो ये मतलब इनका बोलने का तरीका और मतलब जो जिस बात पे जिद कर लेते हैं वो मतलब बहुत ज्यादा है, अगर पहले छोड़ना नहीं है इस काम को, करना ही है, कैसे करो, वो जो फौज वाली कहानी आ जाती है ना, मतलब पीटी में जाना है तो जाना ही। सही बात है, तो अभी मैनेजर के लिए ठान लिया कि नहीं ठान लिया इन्होंने? बिल्कुल सर, अब करना ही है। जब एक ऐसे बाबा साथ में तो सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, सब लोग साथ में है। चलिए गुड, सो एक काम करते हैं, सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और ऐसे करते हैं और एक फोटो क्लिक करते हैं, ठीक है, करिए एवरीवन। मैं 1, 2, 3 बोलूंगा, 3 पे मैं क्लिक करूंगा, 3 पे क्लिक करूंगा। ओके, सो पहले से पोज बना के रख सकते हैं, अभी सागर भटनागर का वीडियो ऑन नहीं है, सुनील का नहीं है, स्वदेश का नहीं है और संदीप का नहीं है, शिवम का हो चुका है,
तो संदीप, स्वदेश और सागर आप लोग भी कर लीजिए. ओके, सो वन, उपर जी आप भी करिए. वन, दिनेश, सागर करिए. वन, टू, अश्विनी, अश्विनी करिए पोज. कहाँ चले गए आप? वो ओके, थ्री पे, मैं थ्री पे क्लिक करूंगा. ओके अश्विनी, ऐसे करिए. वन, टू एंड थ्री. वेरी ग्रेट. अब आपकी फोटो कैसे आई है ये आपको टीएलएफ के व्हाट्सएप ग्रुप में पता चल जाएगा. ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा मीटिंग था. थैंक यू सर, थैंक यू, आप लोगों ने इतना रिस्पेक्ट दिया सर. और एक और मीटिंग चाहिए जिसमें मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर ए के जे भाभा और सीमा जी आप दोनों साथ में मिलकर ट्रेनिंग दें एक प्रोडक्ट्स के ऊपर. ठीक है, चलिए. और हुकुम सिंह यहाँ पे नहीं, उनको आज मौका नहीं मिला, उनको नेक्स्ट मौका देते हैं. तो कल शुभम आप दे रहे हैं ट्रेनिंग फिर? हाँ सर, बिल्कुल. चलिए गुड, चलिए सर. ओके देन, सी यू, बाय, गुड नाइट.